और यूरोपीय देश कोसोवो में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प में नेटो के 50 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्हें हटाने के लिए अल्बानियाई मेयर्स को हटाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कोसोवो में सर्बियाई और अल्बेनियाई लोगों के बीच हुए संघर्ष में कई दर्जन नाटो शांति सैनिक घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक कोसोवो के अधिकारियों की सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस के गोले और बम दागे, जिसके जवाब में सर्बियाई लोगों और नाटो शांति सैनिकों पर पत्थर फेंके। नाटो शांति सैनिकों ने कहा है कि इटली और हंगेरियन कोसोवो फोर्स के कई सैनिक धमाकों और हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। कोसोवो पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारी उत्तरी कोसोवो में हाल ही में चुने गए अल्बानियाई मेयर्स को हटाने की मांग कर रहे थे। सोमवार देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए सर्बिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा कि वो कोसोवो के साथ लगती सीमा पर अपने सैनिकों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि संघर्षों में सर्बिया समुदाय के 52 लोग घायल हो गए हैं और 4 को हिरासत में लिया गया है। वुसिक ने इस हिंसक संघर्ष के लिए कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती को जिम्मेदार ठहराया है।